छठ पूजा के लिए तैयार किया जा रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पूजा होता है इसलिए इसको ये लोग पहले ही तैयार कर रहे हैं, इस तरीके से बनाया जाता है छठ पूजा के लिए। इधर स्नान कर सक करके लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ बोट राइड भी हो रही है। ये देखिए सामने एक बोट चल रहा है और पूरा बोटिंग हो रहा है। बहुत खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, ये देखिए पूरा घाट हम आपको दिखा रहे हैं इस टाइम। ये देखिए लेकर के वहाँ तक जो आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो ये पहले ही तैयारी हो रहा है इस चीज़ का, सारा कब्जा चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये छठ पूजा की तैयारी है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। ये देखिए ये सब अपनी जगह बना लेते हैं और 4 तारीख के आसपास यहाँ पूजा है छठ का, तो इस तरीके से ये बनाए हुए लोगों ने, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये छठ पूजा की तैयारी है। ये 80 घाट है और इसके बगल में रवि घाट है। ये देखिए बिल्कुल जस्ट में ये घाट लगे हुए हैं। और ये देखिए दूर दूर तक ये आपको दिख रहा होगा, दूर सामने है ये पूरा नाव चल रही है इधर दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर। ये काफ़ी मतलब आप इसके किनारे किनारे काफ़ी दूर तक जा सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए पीछे भी इतनी सारी बोटें रन कर रही हैं और ये काफ़ी लोग आ रहे हैं इधर छठ पूजा की वजह से दोस्तों। तो बनारस आएँ और दिल ना खुश हो तो बात ही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आने पर बनारस में जानते हैं भगवान की नगरी है और हमारे हम लोग तो हैं ही इंडियंस, फॉरेन कंट्री के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। और आपको मैं ये दिखला देता हूँ, ये देखिए ये लोग भी आपको दिख रहे होंगे वीडियो में मेरी, यहाँ पर फॉरेन से भी लोग आते हैं और घूमते हैं इस तरीके से। ये देखिए आप देखिए यहाँ पे कुछ लोग आते हैं फॉरेन कंट्री से, ये लोग हमारे कल्चर को काफ़ी पसंद करते हैं, इंडियंस को इनको धार्मिक जगह काफ़ी पसंद होती है। ये सारे घाटों के नाम डले हुए हैं दोस्तों यहाँ से देख, हाँ तो ये देखिए सारे घाटों पर यहाँ पर नाम दिए गए हैं इस तरीके से दोस्तों। इधर आपको चाय भी मिल जाएगा, भाई जी चाय बनाते हैं इधर। अभी काफ़ी बोट इधर खड़ा हुआ है और पब्लिक जितनी भी आ रही है उधर से इस तरफ जा रहे हैं लोग। ये देखिए ये पूरी सफाई भी चल रहा है इधर छठ पूजा के लिए, ये बनाया जा रहा है, ये छठ पूजा के लिए सफाई हो रहा है इधर से, ये सारा इसको पानी में दोबारा बहा रहे हैं लोग इस इसको। ये देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, ये जो मिट्टी को हटाया नहीं जा रहा, ये सिर्फ बालू है, इसको यहाँ से इसको पानी से ऐसे फोड़ कर ये सीधा नीचे नीचे जा रहा है। ये देखिए लोग कितने सारे इसमें काम कर रहे हैं छठ पूजा के लिए, इसको साफ़ किया जा रहा है दोस्तों। मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि छठ की भी तैयारी चल रही है यहाँ पर, तो लोगों को जो यहाँ पर पहले आना पड़ता है, अभी 4 तारीख का छठ पूजा है और लोग यहाँ कम से कम 5 से 6 दिन पहले आएँ और अपनी जगह घेर लेते हैं वो लोग,
और घेर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपनी पूजा यहाँ पर कर सकते हैं, अपना अपना एक वो जगह बना लेते हैं। ये आपको मैंने दिखाया अभी वीडियो में दोस्तों, इस पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे को जरूर करें दोस्तों, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें।